हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल आप सभी का वेलकम करता है और सभी लोग मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटे का जो बटन आपको दिख रहा है उसको आप दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि मैंने बनाया था स्किल माइग्रेशन कैटेगरी UI सबमिशन पार्ट वन पे। ठीक है, तो पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप EOI सबमिट कर सकें। आप EOI सबमिट करने के लिए कोई भी ऐसा डेट एंड टाइम फ्रेम नहीं होता है, आप डायरेक्टली कभी भी उसे सबमिट कर सकते हैं। बाकायदा आपके पॉइंट्स अगर प्रॉपरली मैच होते हैं तो आपको यहाँ पे कॉल आ जाएगी। किसी भी तरीके से आप उससे अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, पूल में से सिलेक्शन होने के बाद आपको कॉल आ जाएगी। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि आप EOI सबमिट करें। EOI सबमिट करने के लिए आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, बहुत ही ईजी मेथड है। ठीक है, अभी हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए, इस वेबसाइट पे जाएं आप। इस वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको लॉगिन स्क्रीन मिलेगी, इसको आप लॉगिन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी अप्ले सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे स्किल माइग्रेंट कैटेगरी EOI पे क्लिक करेंगे। इसके बाद लॉगिन और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें तो आपके सामने इसका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आपके सामने एक कैप्चा है, इसको आप फिल कर लें। ये एक वेरिफिकेशन मेथड है जो स्क्रीन में आपको लेटर्स दिख रहे हैं, इनको आप इसमें एंटर करें तो आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगी। अब अप्लाई ऑनलाइन का आपके सामने एप्लीकेशन है। अब देखिए, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ इसमें। ठीक, तो हम मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमने सबमिट करना है EOI, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई। अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट टाइम हेयर। ठीक है, अब पॉइंट इंडिकेटर यहाँ पे है। ठीक है, रेडी टू स्टार्ट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, मेरे साथ बने रहें, ये चीज़ें पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, रेडी टू स्टार्ट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट क्रिएट, इस पर आप क्लिक करें। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टाइटल स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी, दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द फॉर्म इफ यू नीड टू कम बैक इट लेटर। ओके ओके, अब ये आपको क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे पूरे करने। अभी 0% पे है, जब ये 100% पे हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ये सेक्शन फिल हुआ मिलेगा। ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स भी आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, पॉइंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको बाद में प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी सेक्शन देखिए, प्रिंसिपल एप्लीकेंट के, आप अपने साथ अपने स्पाउस का भी लगा सकते हैं। सेक्शन में आइडेंटिटी, कैरेक्टर, हेल्थ, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटीज, स्किल एम्प्लॉयमेंट, रिकग्नाइज क्वालिफिकेशंस, स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस, चिल्ड्रन, अदर फैमिली, डिक्लेरेशन पर पर्सन असिस्टिंग एप्लीकेंट। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको यहाँ पॉइंट हो जाएंगे, कंप्लीट येस और नो का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे है असेसमेंट ऑफ योर रेजिडेंस एप्लीकेशन। ठीक, तो आप यहाँ पे ये चीज़ देखिए। ओके, तो सी इफ़ यू क्वालिफाई एज स्किल्ड माइग्रेट, इसको आप पहले आपने इसको चेक करना है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब प्रिंसिपल एप्लीकेंट, आप अगर चाहते हैं आपका स्किल माइग्रेट कैटेगरी का कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप डायरेक्टली हम आइडेंटिटी पे चलते हैं। तो आपने आइडेंटिटी फिल करनी है, यहाँ पे प्रिंसिपल फैमिली नेम है, ये प्रिंसिपल एप्लीकेंट का बता रहा हूँ मैं, प्रकाश, सॉरी फैमिली नेम सिंह आ गया, गिवन नेम प्रकाश। इसके अलावा आपको किसी और नाम से जाना जाता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे एलियास होते हैं लोगों के, उसी तरीके से आप यहाँ पे इनको ऐड कर सकते हैं। अदर अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद प्लीज़ प्रोवाइड ऑल द नेम्स यू आर और हैव बीन नोन बाय,
ठीक है, यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है तो अदर नेम ऐड कर सकते हैं, प्रीफर्ड टाइटल मिस्टर, ठीक है, और जेंडर में आप सेलेक्ट कर लें, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लें, ध्यान से हम बड़े केयरफुली आपने फिल करना है कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है, और प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है, प्लीज़ प्रोवाइड योर बर्थ सर्टिफिकेट नंबर एंड द नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। बर्थ सर्टिफिकेट नंबर अगर आपके पास है तो इसको आप इस पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद इसको वैलिडेट करेंगे तो इससे पता चलेगा कि हमने इसको फिल किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ओके, यू आर एलिजिबल फॉर पॉइंट्स फॉर योर एज अप टू एज ऑफ 56। इफ़ यू एज 56 एंड ओवर, योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द पोल, ठीक है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए मुझे यहाँ 30 पॉइंट्स मिल चुके हैं, सिलेक्शन पॉइंट 30, ठीक है, टोटल पॉइंट 30 हो गया, रेफरेंस नंबर ये है, इस चीज़ को आप नोट कर लें क्योंकि ये बाद में आपके काम आ सकता है, ठीक है। प्लीज़ स्टेट योर मेन कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, इंडिया, ठीक है, और प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल पासपोर्ट्स एंड कौन कौन से, अगर आपके बर्थडे पासपोर्ट्स हैं तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके पास सिंपल वन पासपोर्ट है, ओके। कंट्री, किस कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, इंडिया का। फैमिली नेम, डेट ऑफ इश्यू, कब इश्यू किया गया था, अब डेट ऑफ एक्सपायरी, ठीक है, करेक्टली आपने फिल करना है इसको, मिस्टेक ना करें, ओके। राइट प्लेस ऑफ इश्यू, और प्लीज़ लिस्ट एनी अदर सिटीजनशिप करंटली हेल्ड, अगर आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसको वैलिडेट करेंगे, ओके, वैलिडेशन सक्सेसफुल रहा, ठीक है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको पूछेगा नेशनल आईडी नंबर। अब नेशनल आईडी नंबर में आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं, ठीक है अगर आपके पास तो। इसके बाद इसको वैलिडेट, अभी कुछ हमने डाला नहीं तो वैलिडेट करने का अपना ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। प्लीज़ लिस्ट ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑल कंट्रीज ऑफ सिटीजनशिप यू हैव लिव्ड इन टोटल ऑफ 12 मंथ, अगर आप किसी और कंट्री में रह चुके हैं तो फ्रॉम कब से कब तक आप रहे हैं तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है, ठीक है। तो अगर मैं तो कभी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी कि किसी ऐसे पर्सन के बारे में जो इंडिया से बाहर नहीं गए अब तक, ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री में विजिट कर चुके हैं और यू हैव लिव्ड इन फॉर टोटल ऑफ 12 मंथ, 1 साल के लिए रह चुके हैं, तो यहाँ डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जो लोग टूरिस्ट वीजा पे गए हैं इधर उधर, आई मीन दुबई मॉरीशस कहीं भी घूमने गए, तो उसकी डिटेल फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप टूरिस्ट वीजा पे 1 साल तक नहीं रुके होंगे, ठीक है। इसके बाद इसको नेक्स्ट करें, अगर आप रुके हैं तो इसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड योर रेजिडेंशियल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओके, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नंबर 820, ओके, स्ट्रीट नेम इंडिया गेट रोड, सिटी दिल्ली, प्रोविंस दिल्ली, जिप कोड, कंट्री इंडिया सेलेक्ट करनी है आपने। इसके बाद अपना फ़ोन, डे का फ़ोन और नाइट का फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल आपने देना है,
ठीक है, ईमेल देने के बाद स्ट्रीट नंबर इफ डिफरेंट, आपका पोस्टल एड्रेस और ईमेल आई मीन रेजिडेंशियल एड्रेस डिफरेंस है तो यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ योर करंट पार्टनरशिप स्टेटस, क्या है आपका पार्टनरशिप स्टेटस, सिंगल। ठीक है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखें यहाँ पे। इफ़ यू आर सेलेक्टेड मैरिड पार्टनरशिप और सिविल यूनियन डू यू मीन द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर रिकग्नाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, आपको यहाँ पे इसकी अगर आप पार्टनर हैं, मैरिड हैं, ठीक है, सिविल यूनियन में, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स फुल आई मीन रिक्वायरमेंट फिल करनी पड़ेंगी। ओके, और मैं तो सिंगल हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे इसको यस और नो कर सकते हैं। तो विल योर पार्टनर बी इंक्लूडेड इन दिस एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस, मैं सिंगल हूँ तो नो, अगर आप मैरिड हैं और अपनी स्पाउस को, वाइफ को, पार्टनर को आप साथ में लेना चाहते हैं तो आप इसको यस करें, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देखिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा। हैव यू रिसीव इमिग्रेशन एडवाइस ऑन दिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, नो। किसी कंसल्टेंट की हेल्प लिए, नहीं। किसी लॉयर की हेल्प लिए, नहीं। वुड यू प्रेफर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ यू, यू ओके। व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप विथ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ईमेल। हैव यू प्रीवियसली सबमिटेड एन ई ओ आई, नो। ओके, इसके बाद इसको नेक्स्ट करें। देखिए थोड़ा बहुत है, इसको फिल कर लेना आप आराम से। हैव यू एवर बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, नो। हैव यू बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 12 months, नो। आर यू सब्जेक्ट टू अ पीरियड ऑफ प्रोविजन अंडर द इमिग्रेशन एक्ट, नो। Have you ever been excluded, removed, and deported? No, no. ठीक है। Have you been involved in any terrorist activities? No. Have you ever been member of? No. Have you ever been involved in your drug dealing? No. ये आपका character verification है, ध्यान दें। Have you been a member of, belonged to a group of criminal objectives? No. Have you been a member of, belonged to any group that are engaged in supported criminal activities? No. इसके बाद आप इसको नेक्स्ट करें। ये करेक्टर वेरिफिकेशन था, आप इसको ध्यान से भरें, क्योंकि अगर आपने इसको करेक्टली फिल नहीं किया तो आपको यहीं पे ही आपका एप्लीकेशन क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक कैप्चा है, क्योंकि बार बार पूछ रहा है आपसे कि क्या ये रोबोट तो नहीं है जो एप्लीकेशन फिल कर रहा है। ओके, आर यू बींग अंडर इन्वेस्टिगेशन, वॉन्टेड फॉर क्वेश्चनिंग, फेसिंग चार्जेस, नो। ओके, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड एट एनी टाइम ऑफ एनी ऑफेंस, नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज एंट्री ऑफ एनी कंट्री, नो। हैव यू बीन अ मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप विच हैज़ ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन हॉस्टैलिटी against people or group, no. Okay, have you been a public speech, at any public speech, public comment or public broadcast, no. इनको सबको आप नो करिए, क्योंकि मोस्टली आपके करेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा परसेंटेज 10% आपके क्वेश्चन रिलीज का कंप्लीट हुआ है। अब सेक्शन सी है, प्रिंसिपल एप्लीकेंट हेल्थ। हेल्थ में आपसे पूछा जाएगा डायलिसिस ट्रीटमेंट, ट्यूबरक्लोसिस, नो। हैव यू एवर सर्व हेल्म, हैव यू एवर, ओके इसको भी नो कीजिए, हेल्दी स्टेटस में हैं आप। ठीक है, ये हेल्थ कैरेक्टर भी इस तरीके से नो फिल करना है, देन आप इसको नेक्स्ट कीजिए। ओके, 20% हो गया। इंडिकेट हाउ यू मीट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, ओके। सिटीजनशिप ऑफ कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक का, अब इसको पढ़ लें तो रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन कंपेयर टू न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन लेवल 8 और अबव एन गेंड इन ऑस्ट्रेलिया, न इसको एक्सेप्ट कर लें क्योंकि आपके आइल्स के लिए है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं, जैसे हम इसको कंप्लीट करते हैं तो हमारा यहाँ पे ओके। इफ़ यू हैव कम्प्लीटेड एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, प्लीज कन्फर्म विच टेस्ट यू हैव टेकन, आइल्स। ठीक है, वट आर डेट ऑफ योर डेट एंड द स्कोर, आपसे डेट पूछ रहे कब का डेट है।
तो मैंने इसको मैं ओके 2018 जनवरी में कंप्लीट किया है, 9 जनवरी को स्कोरिंग है 8 बैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट करें, 30% कंप्लीट हो गया। आर यू क्लेमिंग पॉइंट्स एंड डिक्लेयर दैट यू मीट द क्राइटेरिया फॉर एन ऑफर ऑफ स्किल एम्प्लॉयमेंट इन न्यूजीलैंड और करंटली स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट इन न्यूजीलैंड? क्या आपके पास जॉब ऑफर है? ओके अगर नहीं है तो नो, अदरवाइज इसको नो करें। यस अगर है आपके पास ऑफर या न्यूजीलैंड में वर्किंग है तो आप इसको यस करें, अदरवाइज इसको नो करना है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। और आपको यहाँ पे 40% कंप्लीट हो चुका है। टू डू योर जॉब इन न्यूजीलैंड डू यू रिक्वायर ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन? ये उन लोगों के लिए है जो स्पेशली नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं। ठीक है, नो। ठीक, इसके बाद इसको नेक्स्ट करें। ओके, आर यू क्लेमिंग पॉइंट ऑफ रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन एंड डिक्लेयरिंग दैट यू मीट द क्राइटेरिया? यस। नेक्स्ट, अगर आप अपनी एजुकेशन बेस पे पॉइंट क्लेम करते हैं तो उसको अब यस करें। ठीक है, टू एड एडिशनल एंट्रीज ऑन द पेज प्लीज सेलेक्ट मिनिमम। ओके, हम इसको फिल करते हैं क्वालिफिकेशन को, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन। ओके, और डेट ऑब्टेन कब हमने लिया था इसको? मेजर एरिया ऑफ स्टडी बिजनेस, स्टडी कब से कब ली आपने? डेट कब कंप्लीट किया आपने? ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको फिल कर लें। इंस्टीट्यूशन नेम, ओके, स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम, गैंगटॉक सिटी, गैंगटॉक, ये सब। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कीजिए। ओके, ये सब फिल करने के बाद आप आपको यहाँ पे इफ़ योर क्वालिफिकेशन लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जाम फ्रॉम असेसमेंट, आप इसको कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐसी हैं जिनको एसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको देख लें। अगर आपकी जो एजुकेशन है उसको एसेस करने की रिक्वायरमेंट है तो आपको इसका असेसमेंट करवाना पड़ेगा। अब असेसमेंट कैसे करवाना है, ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। ठीक है, बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि जैसे आपको कनाडा के लिए वैस है उस तरीके से इसी में अपना एक रिकॉग्नाइज बॉडी होती हैं जिसके थ्रू इसको एसेस करवाया जाता है। ठीक है, इसको नो कर देते हैं अभी हम फिलहाल। ओके, इसके बाद डू यू होल्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अथॉरिटी? यस, ये आपकी एजुकेशन की रिपोर्ट है, आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं और न्यूजीलैंड अथॉरिटी ने, क्वालिफिकेशन अथॉरिटी ने आपको रिपोर्ट सबमिट की है। ठीक है, इसको नो कीजिए, अभी नहीं है हमारे पास, बट अगर आपके पास है तो आप इसे यस करें। आर यू क्लेमिंग पॉइंट्स फॉर न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन अंडर 24 जुलाई 2011? अगर आपने न्यूजीलैंड से क्वालिफिकेशन कुछ भी डिग्री डिप्लोमा किया तो उसको यस करें, अदरवाइज इसको नो करें। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ऑलराइट, अब 50% कंप्लीट होने के बाद डू यू हैव अ बैचलर डिग्री गेन्ड इन न्यूजीलैंड? नो। डू यू हैव रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एट लेवल 8, 9, 10 ऑन द न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क गेंड इन न्यूजीलैंड फॉलोइंग एट लीस्ट 1 ईयर फुल टाइम? नो, आपने न्यूजीलैंड से पढ़ाई नहीं की है। इसको भी नो करें। हैव यू स्टडीड फुल टाइम इन न्यूजीलैंड टूवर्ड्स? नो। हैव रिकॉग्नाइज बेसिक न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन गेंड इन न्यूजीलैंड? नो। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देख लीजिए, इसको आपका यहाँ पे ट्रायल है, इसको अपने कैप्चा फिल करके
एन, इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। ऑलराइट, अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल एप्लीकेंट स्किल्ड वर्कर एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस, अब आपने यहाँ पे स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम 2013 से लेके अभी तक, ठीक है, करंटली अगर वर्क करें तो करंट की डेट डाल दें प्लीज। सॉरी, एंटर पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द जॉब टाइटल बिलो, ठीक है, सर्च कर लेते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन इसमें है या नहीं है, ठीक है, इसमें कैच कर लिए, नो रिजल्ट फाउंड, ओके, सेल्स मैनेजर, लेट्स ट्राई दिस। देखिए आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है कोई भी ऑप्शन, ओके, फुल टाइम एम्प्लॉय हैं आपको, ओके, यहाँ से लिस्ट, फुल लिस्ट हम चेक कर सकते हैं क्या क्या ऑक्यूपेशन है। अकाउंटेंट, लेट्स ट्राई दिस वन अकाउंटेंट, ठीक है, आप अपनी लिस्ट यहाँ से चलो चेक कर लें, इसके बाद इसको सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा कौन से अकाउंट, जनरल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टैक्सेशन, जनरल अकाउंटेंट। अब देखिए ये आपका कोड है, आपका आई मीन जिसको हम जॉब कोड बोलते हैं, ठीक है, अब ये चीज़ें फिल कर लीजिए आप, आपका बिजनेस कहाँ पे है, ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद, इसके बाद आर यू क्लेमिंग पॉइंट्स फॉर 12 मंथ और मोर स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस, येस प्लीज़ इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, 2013 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, सो इसको हम फोर बट लेस देन सिक्स ईयर्स का कर लेते हैं। इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ एब्सोल्यूट स्किल, ओके, टू बट लेस देन सिक्स ईयर्स, उसको कंप्लीट करने के बाद एब्सोल्यूट स्किल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन नेम, अगर आप इसमें शॉर्टेज स्किल कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे अपना जॉब टाइटल मिल जाएगा, इसमें नहीं है अकाउंटेंट का, ठीक है, इसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। ऑलराइट, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव पार्टनर, डू यू एंड योर पार्टनर हैज, मैं सिंगल हूँ तो यहाँ पे मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जीरो, नेक्स्ट। ओके, डू यू हैव अदर फैमिली मेम्बर हु आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एप्लीकेशन, डू यू हैव एनी, डू यू हैव अदर फैमिली मेम्बर्स, नो, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यस करें और उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ओके, ऐड करने के लिए आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। टू बी कम्प्लीटेड एंड साइंड बाई पर्सन हु हैज असिस्टेड इन दिस एप्लीकेशन, हैज एनी वन असिस्टेड इन द कम्प्लीशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, नो, अगर आपने किसी की मदद ली है, लेट्स से कि आपने किसी कंसल्टेंट या लॉयर की हेल्प ली है, तो उस केस में आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है, येस आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आई हैव असिस्टेड द एप्लीकेशन, आई हैव प्रोवाइडेड इमिग्रेशन एडवाइस, ये आपका जो इमिग्रेशन एडवाइज़र होगा उसकी डिटेल यहाँ पे होंगी, ठीक है, इसको आपकी ज़रूरत नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देखिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो रहा है,